सो गाइज, आप लोग थंबनेल से और टाइटल से समझ गए होंगे कि ये मेरा डिलीवरी ब्लॉग है जिसे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मुझे जो है पेन मॉर्निंग के 4 बजे से ही स्टार्ट हो गया था, जिसे मैं ही नहीं समझ पा रही थी कि ये लेबर पेन है। और वीडियो में खुद से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए जो है हबी या भाई बहन ही रिकॉर्ड किए थे। इसलिए जो है मैं गाइज इस वीडियो पर वॉइस ओवर कर रही हूँ सारे वीडियो पर, और आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कैसे क्या हुआ था। तो ये मॉर्निंग का 4:30 हो रहा था एंड पूरा दिन जो है गाइज मैंने बर्दाश्त किया। मुझे जो है पेन रुक रुक के आ रहा था, तो धीरे धीरे मुझे आइडिया लग गया था कि हाँ ये फाइनल वाला लेबर पेन ही है। एंड फाइनली गाइज पूरा दिन जो है पेन में रहने के बाद नाइट में जो है पेन मतलब कंट्रोल से बाहर जा रहा था मेरे। तो मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी अब चलते हैं हॉस्पिटल। तो रात में 11 बजे जो है गाइज हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले। अभी जो है यहाँ पे जो मैंने डिलीवरी बैग रेडी कर रखा था वो लिए हैं, और बस इसके अंदर सारी चीज़ें चेक कर रहे थे कि सब कुछ है या नहीं है प्रॉपर। एंड करने सब कुछ चेक करने के बाद हम लोग जो है घर से निकल जाते हैं गाइज, बिकॉज़ जो है मुझे लग रहा था कि अब जो है फाइनल वाला पेन आ रहा है, बिकॉज़ ये पेन काफ़ी ज़्यादा देर तक रुक रहा था। और डॉक्टर ने मुझे गाइड कर दिया था पहले ही कि जो पेन होगा लास्ट स्टेज वाला वो थोड़ा जल्दी जल्दी आएगा और ज़्यादा देर तक रुकेगा। तो हम लोग बस 11 बजे रात में ही निकल गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी जो है मुझे मतलब सपोर्ट देने के लिए मेरे कमर को पैर को दबा रहे थे, जिससे जो है मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा था। बट गाइज हॉस्पिटल जाते जाते मेरा वाटर ब्रेक हो गया था, और उससे मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंड ये चीज़ मैं खुल के घर पे बोल नहीं पा रही थी। और 11:30 हो गया था, हम लोग 11:30 में हॉस्पिटल पहुँचे थे। एंड हॉस्पिटल पहुँचने के बाद गाइस पहले तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। बट जब वहाँ पे विज़िट किए तो उन्होंने जो है मुझे पहले जो है वो चेकअप वगैरह करते हैं, और चेकअप वगैरह करने के बाद वो जो है फाइनल वाला रिपोर्ट मतलब फ़ाइनल जो है बता ही देते हैं कि ये लेबर पेन है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हस्बैंड जो है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो सब दे रहे हैं। उसके बाद जो है एडमिट करने के लिए वो बता देती है, डॉक्टर बोलती है कि आपको जो है आज ही एडमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है गाइस एडमिट करने के लिए बस सब सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी हो रहे थे, ब्लड सैंपल वगैरह दिए थे, तो सब कुछ सारा जो प्रोसेस था वो सारे प्रोसेस जो है कंप्लीट कर रहे थे हस्बैंड। एंड मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। एंड गाइस सीरियसली बता रही हूँ, ये जो पेन था ना, मैंने अभी तक सुना था कि इतने 32 हड्डी टूटने जितना बराबर पेन होता है, बट मैंने क्या बताऊँ गाइस वो सिचुएशन कैसी थी। बस बीत गया। बट मतलब कंट्रोल के बाहर था वो पेन, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि कैसा पेन होता है। और गाइस मुझे एडमिट करने के बाद सुबह 4:30 बजे जो है रिज़ल्ट आया फाइनल वाला। सब लोग वेट कर रहे थे एंड फाइनली 4:30 बजे जो है बेबी हो गया। एंड ये जो है वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम हब्बी ने बेबी को लिया था एंड इतने ज़्यादा वो खुश हो रहे थे। एंड यहाँ पे डॉक्टर ने बताया था कि जो है बेबी होने के बाद 1 घंटे के अंदर बेबी को फीड कराना ज़रूरी है। तो मुझे नहीं आ रहा था कराने, तो मम्मी जो है हेल्प करा रहे थे यहाँ पे मेरी बेबी को फीड कराने में। एंड गाइस बेबी को देखने के बाद जो मेरे दर्द थे ना, जो दुख थे, सारे मैं भूल गई। बिकॉज़ मैं क्या आप लोगों से बताऊँ, पहले तो दर्द कंट्रोल से बाहर था, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, क्योंकि ऐसा दर्द सीरियसली गाइस पहली बार मतलब मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा पेन होने वाला है। बट जब गाइस बेबी को देखा ना, तो मैं वो सारे दुख दर्द भूल गई। मतलब इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं फाइनली माँ बन गई, एंड वो खुशी मुझे नसीब हुई जो बहुत लोगों को नहीं होती है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ गॉड का। एंड गाइस जो है हॉस्पिटल में मुझे 3 दिन जो है मतलब एडमिट थे मैं बेबी होने के बाद, बिकॉज़ डिस्चार्ज जो है वो कर ही नहीं रहे थे।
तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है सेकंड डे का है, मतलब रिलेशन वाले भी नहीं, रिलेशन वालों से नहीं मिलने दे रहे थे, फैमिली वालों से नहीं मिलने दे रहे थे। तो मतलब 5-5 मिनट के लिए जो है पूरे दिन में कभी एक बार वो परमिशन दे रहे थे आने के लिए। तो हम भी यहाँ पे आए थे बेबी को खिलाने के लिए, सबके फैमिली आए थे, सबको मतलब जो थे उनको खिलाने के लिए, तो यहाँ पर हम भी आए हुए थे। एंड गाइस फाइनली 3 दिन बाद वो मोमेंट आया, मतलब यहाँ पर जो है डिस्चार्ज मिल गया था और इतनी ज़्यादा खुशी थी मुझे घर जाने की कि फाइनली जो है बेबी जो है अपने नाना नानी से मिलेगा। नानी से तो मिल लिया था बट नानू से नहीं मिला था, और पापा बहुत वेट कर रहे थे बेबी का। तो यहाँ पे डिस्चार्ज हमें मिल गया था हॉस्पिटल से, बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे कि फाइनल जो है अब हम घर जा रहे हैं। और उस दिन जो है गाइस बारिश भी हो रही थी, और यहाँ पर देख सकते हैं नीडल लगा हुआ था, तो आते टाइम उन्होंने नीडल हटाया था, तो बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर आ रहा था और मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था गाइस, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। इसलिए जो है थोड़ा लुक आप लोग लुक पे मत जाइएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी इस टाइम पर। एंड बस घर के लिए हम लोग जो है गाइस निकल जाते हैं, बेबी को सिस्टर ने यहाँ पर पकड़ रखा था, मुझे बैठने उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो इसलिए जो है गाइस बहुत ही आराम से जो है उठना बैठना है। डॉक्टर ने बोला बहुत अच्छे से अभी केयर करनी है, बिकॉज केयर की बहुत ज़्यादा नीड रहती है इस टाइम पे। और गाइस बस मैं टोटली कंप्लीट हो गई बेबी के आने के बाद, एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी फीलिंग आती है बेबी आने के बाद, घर में अलग से खुशियाँ छा जाती है गाइस। तो मतलब सारे दुख दर्द एक तरफ, एंड बेबी को देखने के बाद जो खुशी होती है ना वो एक तरफ होती है गाइस। और बस हम लोग जो है घर के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। और गाइस बस मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को जो है ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगेगा, और बाकी का जो है अपडेट आप लोगों को दूसरी वीडियो में देंगे गाइस, बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे इसके बाद घर गए थे, तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है। तो बस हम यहीं तक का रिकॉर्ड आप लोगों से शेयर कर पाएंगे, और उम्मीद करती हूँ गाइस